हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। दिस क्लास इज फॉर क्लास 9th स्टूडेंट। टुडे वी विल लर्न सम रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.5। नाउ यू कैन सी देयर आर सम आइडेंटिटीज आई हैव रिटन ऑन दिस बोर्ड। व्हाट द आइडेंटिटीज? देयर आर टू आइडेंटिटीज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिव अस ए प्लस बी, देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, and aq minus bq give us a minus b, then a square plus ab plus b square। तो इन दो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 एंड फर्स्ट पार्ट 27yq plus 125zq। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हमें इस्तेमाल करनी है, ऊपर वाली। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिव अस ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन को जो है हम रिलेट कर लेते हैं। 27yq प्लस 125zq। क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है कमी है, आप देख सकते हैं। वो कमी क्या है कि ऊपर a यानी उस पूरी वैल्यू पर क्यूब है, बट नीचे जो क्वेश्चन है उसमें केवल y पे क्यूब है। तो होल पर क्यूब बनाने के लिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3y। ओके, 3। सो 3y का होल क्यूब प्लस 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5। तो 5z का क्यूब। तो आप देख सकते हैं हमें ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म में ये मिल गया। अब जहां पर ए है वहां पे हम 3y को रखेंगे, जहां पर बी है वहां पे हम 5z को रखेंगे। सो नाउ 3y प्लस 5z और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3y प्लस 5z, तो ये 3y स्क्वायर क्या देगा हमें, 9y स्क्वायर माइनस 5 3 15, yz प्लस 25z स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सेकेंड पोर्शन आप करने की कोशिश कीजिए। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में सारी आइडेंटिटीज को देखा था, ये लास्ट वाली आइडेंटिटी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी। तो उस आइडेंटिटी को हम लोग लिख लेते हैं, क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc गिव अस ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ओके, तो इस आइडेंटिटी से हम लोग जो है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें कंपेयर करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से। क्वेश्चन लिखते हैं, 27x³ को होल क्यूब में हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए आप। तो 27x³ को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब और z का क्यूब प्लस z का क्यूब। तो हमें मालूम है ये 3abc है, तो माइनस 3a की वैल्यू क्या आ गई, 3x, b की वैल्यू y एंड c की वैल्यू z। ओके, आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करके चेक भी कर सकते हैं, तो ये आपको ऐसे ही मिलेगा। तो हमें जो भी वैल्यू मिली अब उसको इक्वेट कर देंगे,
इस वैल्यू में पुट कर देंगे। ए क्या है हमारा 3x है, बी क्या है y है, सी क्या है z है। सो 3x प्लस y प्लस z एंड 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3x y माइनस y z एंड माइनस z 3x मीन्स जहां पर a था वहां में हमने a की वैल्यू रखी, जहां b था b की वैल्यू और जहां c था c की वैल्यू रख दी। अभी क्या करेंगे, इसको एक स्टेप और आगे लेकर जाएंगे। सो 3x प्लस y प्लस z एंड 3x का स्क्वायर क्या देगा, 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड एंड माइनस 3xz या zx जो भी आप लिखना चाहिए लिखिए, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन काफी आसान है, बस इसको एक्सपेंड दो ही वर्क इसमें आपको करना है, या तो एक्सपेंड करना है या फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में हम आइडेंटिटी को क्या यूज कर रहे हैं, रिवर्स यूज कर रहे हैं। ओके इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, उसमें करना क्या है आपको, केवल राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। जब आप उसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे सही प्रोसीजर पे तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा और हैंस वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। तो बहुत सिंपल है, इसमें केवल आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन क्या है, गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। आइडेंटिटी क्या है हमारी, आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू, या इस आइडेंटिटी को हम एक्स वाई जेड वेरिएबल के हिसाब से लिख लेते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसे इक्वेशन वन बोलूं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन इन हियर, सो क्या होगा, यहाँ पे हम जीरो रख देंगे। सो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। तो आपको मालूम है कि जीरो से किसी भी चीज में आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये वाला टर्म जो है माइनस 3xyz आप राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। और आप देखेंगे कि आपको इसी टर्म को प्रूफ करना था जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, वेरीफाइड या हैंस प्रूफ्ड। ओके, हैंस प्रूफ्ड। ये काफी आसान क्वेश्चन था, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, केवल आपको आइडेंटिटी के ऊपर थोड़ी सी महारत हासिल करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग। देयर आर टू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा देखते हैं, माइनस 12 का क्यूब
प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो आपको इसका डायरेक्टली क्यूब नहीं करना है, आइडेंटिटी की हेल्प से करना है। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी या एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 होता है, तो आइडेंटिटी जो है वो क्या होती है, शॉर्ट हो जा रही है, किसके बराबर हो रही है। चेक करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz के बराबर हो जाती है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। चलिए देखते हैं, बाय वेरीफाइंग, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। तो हम क्या चेक करने जा रहे हैं, क्या वेदर वेदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और नॉट। चेक कर लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 12 जो कि 0 के बराबर है। इसका मतलब कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर, तो वी हैव टू यूज एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू माइनस 3xy, सॉरी 3xyz। तो बस 3xyz की वैल्यू जो है कि हम पुट कर लेंगे, प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3x। क्या है हमारा, माइनस 12 है, तो माइनस 12। वाई क्या है हमारा, 7 है, और जेड क्या है, 5 है। तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं 12 5 जा, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो मैं करता हूँ, 12 5 जा 60 एंड 7 3 जा 21। 21 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 में एक जीरो हिट लिख लेते हैं, और 21 में 6 से मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो -1260 इसका आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप ये वेरीफाई कर लें कि क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है। अगर 0 होगा तो आप इस वाली आइडेंटिटी को, जो कि पिछले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थी प्रूफ करना था, इस्तेमाल कर सकते हैं, और जस्ट आप वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड पार्ट आप करने की कोशिश कीजिए, मुझे उम्मीद है आप आसानी से कर पाएंगे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। देख सकते हैं आप क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन सेज गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो एरिया दिया हुआ है और हमें एरिया को किस फॉर्म में लिखना है, रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में लिखना है। तो काफी आसान है, आप समझते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी अगर मैं बात करूं 100 मीटर स्क्वायर किसी रेक्टेंगल का एरिया है, तो इसके पॉसिबल जो है लेंथ ब्रेथ क्या हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं 10 × 10, तो 10 10 जा 100, ठीक है। अगर मैं बोलूं 20 × 5, ये भी आप मानोगे। अगर मैं बोलूं 50 × 1, ये भी आप कहोगे हाँ सर हो सकता है। अगर मैं बोलूं 4 × 25, कहोगे ये भी हो सकता है। यानी इन सारे केसेस में हम देख रहे हैं कि 100 का हमने क्या किया, दो फैक्टर पता किया, यानी 100 को दो टुकड़ों में हमने बांट दिया, और वही लेंथ या ब्रेथ कहलाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एरिया जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके दो फैक्टर्स हमें मिलेंगे, ठीक है। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्म में फैक्टर्स मिलेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखा है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एरिया है उसको फैक्टराइज करते हैं। एरिया क्या है, 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने का तरीका मैंने बताया था, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। हम सबसे पहले जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से,
फिर हम देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या है, 25 है, बी की वैल्यू क्या है, -35 है, और सी की वैल्यू क्या है, 12 है। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ए और सी का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रोडक्ट क्या आएगा, ए इंटू सी मीन्स 25 इंटू 12, ये आ जाएगा आपका 300। अभी क्या करना है, 300 क्योंकि प्लस में आ रहा है तो मिडिल टर्म हमारा क्या होगा, ऐड होकर आएगा। अब वैसे मिडिल टर्म यहाँ निगेटिव है, इसका मतलब दोनों जो स्प्लिटिंग पार्ट होंगे वो दोनों निगेटिव होंगे, क्योंकि निगेटिव निगेटिव भी आपस में ऐड होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है 35 को हम कैसे लाएं ऐड करके, तो डेफिनेटली ऐड होकर 35 को आना है, तो इसका मतलब जो दोनों वैल्यूज होंगी वो 35 से छोटी होंगी तभी ऐड होकर आएंगे। चलिए हम 300 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा जो है कि नहीं सोचना चाहते हैं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा, फिर 2 7 जा, 2 5 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, फिर 5 5 जा एंड 5 5 जा। अब यहाँ पे आपको जो भी फैक्टर्स मिले हैं उन फैक्टर्स के हेल्प से आप दो टर्म्स बना सकते हैं, जिसका ऐड करने पर आपको -35 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 300 मिले। चेक कर लेते हैं हम लोग क्या है, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 2 जा 20। तो बिल्कुल यहाँ से अगर हम ये 15 ये ले लेते हैं और ये बाकी का 3 फैक्टर ले लेते हैं ये तो हमें क्या देगा, 5 3 जा 15, एक फैक्टर 15 मिल गया और दूसरा फैक्टर 20 मिल गया। तो 20 और 15 क्या मिलेगा हमें, 35, 20, 15 या 300। तो हमारा यहाँ पे काम आसान हो गया। आप इस तरीके से आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो दो पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे जिसे आपको मिडिल टर्म में लिखना है। चलिए करते हैं, 25 ए स्क्वायर, मिडिल टर्म में दो पॉसिबल जो वैल्यूज मिली हैं वो -20 ए -15 ए +12। जैसा कि मैंने कहा प्रोडक्ट हमारा प्लस आ रहा है इसीलिए दोनों वैल्यू ऐड होकर आएगी। अब डिपेंड करता है, मिडिल टर्म हमारा माइनस है तो दोनों माइनस होगा, प्लस होता तो दोनों प्लस होता। अभी क्या करेंगे, दो टर्म्स में से 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 ए कॉमन लेंगे, बचेगा 5 ए -4। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 5 ए -4। माइनस भी कॉमन हो रहा है इसीलिए प्लस माइनस हो जा रहा है। अभी नेक्स्ट टर्म में आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर के इक्वेशन में 4 टर्म था, नीचे क्या हो गया, 2 टर्म हो गया। 1 2 टर्म्स को कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्लस या माइनस करता है। ओके, तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 5 ए -4, 5 ए -4, तो 5 ए -4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5 ए -3। और अब आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं, आपको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 25 ए स्क्वायर -35 ए +12। तो एक हम लिख लेंगे, लेंथ क्या हो जाएगा, 5 ए -4, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, 5 ए -3। या आप चाहें तो इसको लेंथ और इसको ब्रेथ बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें फैक्टराइज करना है, यही हमारा आंसर है। तो आपका लेंथ 5 ए -4, ब्रेथ 5 ए -3। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट को भी करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आप इजिली कर पाएंगे। ओके, नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5, और एक्सरसाइज 2.5 इज ऑल्सो लास्ट एक्सरसाइज। ओके, सो क्वेश्चन सेज, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो मुझे मालूम है कि क्लास 8 में आप सभी जानते हैं व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो वी कैन राइट हियर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो LBH होता है वॉल्यूम जनरली, तो इसका मतलब हमें इस एक्सप्रेशन को 3 फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हर एक फैक्टर एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पहला पार्ट क्या दिया हुआ है,
3x² - 12x। अब आप सोचिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 4। तो अभी आप देख सकते हैं ये तीन टर्म्स में हो गए 3 × x × x - 4, क्योंकि ये सभी आपस में प्रोडक्ट में है। तो यहाँ से हमारा लेंथ क्या हो गया, सो l इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू x एंड h इज इक्वल टू x - 4। ये वेरी कर सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को l मान लो, किसी को b मान लो, इसमें बहुत ज़्यादा जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, क्योंकि आपको इस एक्सप्रेशन को तीन फैक्टर्स में बनाने थे, हमने क्या किया केवल एक कॉमन ले लिया और आराम से हमारे तीन फैक्टर्स मिल गए, लेंथ 3 हो गया, ब्रेथ x हो गया और हाइट x - 4 हो गया। सेकेंड पार्ट आप करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और साथ में चैप्टर भी हमारा पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉलिनोमियल पे साइड बुक से भी जो है कि लेक्चर बनाऊं, साइड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंसीडर किया जाए, जैसे आर्य शर्मा, एस चंद, आर एस अग्रवाल वगैरह वगैरह, तो आप मुझे कमेंट करके व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं और फिर मैं उस पर भी लेक्चर बनाऊंगा। अदरवाइज वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।